गाइस वेलकम बैक टू पर कॉफी खरीदो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अ लिस्ट ऑफ बेस्ट एसीज ऑफ 2021। आज के हमारे लिस्ट में आपको इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी और विंडो एसी भी देखने को मिलेगा। इन तीनों कैटेगरीज में इस साल के जितने भी बेस्ट एसीज हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। अगर आपने अभी तक कोई एसी नहीं लिया है या फिर आप एक नया एसी लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये लिस्ट आपके लिए मोर देन इनफ होगा एक सही एसी चूज करने के लिए। हर एक एसी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और हर एक एसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप वो पॉइंट्स मिस कर दोगे जो आपको एक सही एसी चूज करने में मदद करेगा। सो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रो। सबसे पहले इन्वर्टर एसीज को देख लेते हैं। इन्वर्टर एसी के हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है सैनियो का डेड टर्न 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा विद 2 इंडिपेंडेंट रोटर्स, जो एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करने में मदद करता है। 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल, PM2.5 एंड एंटी डस्ट फिल्टर, जो ठंडी हवा के साथ साथ आपको क्लीन हवा भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको ग्लेशियर मोड देखने को मिलेगा जो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। इको मोड जो एसी को एनर्जी एफिशिएंट रखता है, और सेल्फ डायग्नोसिस यानी एसी में कुछ गड़बड़ी हो तो एसी खुद से डिटेक्ट करके आपको वार्न करता है। इन सब फीचर्स के अलावा भी आपको और भी बाकी फीचर्स इस एसी में देखने को मिलेगा। इसका ISWR रेशियो है 3.80 और नॉइस लेवल है 43 डेसिबल। ये एसी फिलहाल आपको 28,990 रुपीज में 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 1 साल की कंडेंसर वारंटी और 5 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ मिल जाएगा। दोस्तों ऑलमोस्ट 29,000 के प्राइस में ये वन ऑफ दी बेस्ट एसी में से एक है। अगर आपका बजट अंडर 30,000 रुपीज है तो आप आंख बंद करके इस एसी को ले सकते हो। और आपको पता ही होगा कि सैनियो पैनासोनिक का ही एक ब्रांच है और इस एसी की इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग पैनासोनिक की तरफ से ही होती है। इसी कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी अगर होती तो और भी बेहतर होता, लेकिन जैसे कि मैंने बताया 30,000 रुपए के अंदर अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला एसी है सैमसंग का डेड टर्न 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर, वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर विद 5 डिफरेंट मोड्स जैसे होम मोड, प्लेजेंट मोड, पार्टी मोड, नॉर्मल मोड एक्सेट्रा। आप अपने जरूरत के अनुसार कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, एंटी बैक्टीरियल एचडी फिल्टर, टर्बो कूलिंग जैसे फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका ISWR रेशियो है 3.71 और नॉइस लेवल है 45 डेसिबल। ये एसी फिलहाल आपको 33,990 रुपीज में विद 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट वारंटी, 1 ईयर ऑन कंडेंसर वारंटी, 10 ईयर ऑन कंप्रेसर वारंटी, 1 ईयर ऑन गैस रिचार्ज, 1 ईयर ऑन PCV वारंटी मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अच्छी खासी वारंटी सैमसंग की तरफ से आपको दिया जा रहा है। PCB के ऊपर 1 साल की जगह 5 साल की वारंटी होती तो और भी बेहतर होता, लेकिन वहीं पर आपको यह भी देखना चाहिए कि अंडर 34,000 में ये एसी अवेलेबल है जो काफी अफोर्डेबल प्राइस है। इस एसी का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। सो अगर अभी तक आपने कोई एसी नहीं लिया है तो ये एसी भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इन्वर्टर एसी की हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है डाइकिन का डेड टर्न 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा जो एसी की एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन में मदद करता है। कॉपर कंडेंसर कॉइल, इकोनो मोड जो एसी के मैक्सिमम पावर कंजम्पशन को लिमिट करता है ताकि सेम इलेक्ट्रिक लाइन में जो बाकी इक्विपमेंट्स चल रहे हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसके अलावा कोनाडा एयरफ्लो जो रूम के अंदर इफेक्टिव एयर सर्कुलेशन और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। R32 रेफ्रिजरेंट गैस जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पावर चिल ऑपरेशन और भी बाकी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस एसी की ISWR वैल्यू है 4.7 और नॉइस लेवल है 35 डेसिबल। ये एसी फिलहाल आपको 46,990 रुपीज में 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 1 साल की कंडेंसर वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ मिल जाएगा। गाइस डाइकिन का यह मॉडल इस ब्रांड का वन ऑफ दी बेस्ट एसीज में से एक है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनसाइड क्वाइट ऑपरेशन, यानी इसका 35 डेसिबल का नॉइस लेवल। काफी क्वाइटली ऑपरेट करता है और रूम के अंदर इंस्टेंट कूलिंग देने के मामले में ये अनबीटेबल है। ये एसी थोड़ा कॉस्टली जरूर है, बट अगर आप एक बेहतरीन एसी लेना चाहते हो जो आपको बेस्ट कूलिंग दे पाए तो इतना इन्वेस्ट करना तो बनता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो।
इन्वर्टर एसी हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है एलजी का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में भी आपको वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर देखने को मिलेगा फॉर एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन, कॉपर कंडेंसर कॉयल विद ओसन ब्लैक प्रोटेक्शन जो आपकी कंडेंसर को एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। इसके अलावा ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ओशन ब्लैक फिन जो एसी को कोरोजन से बचाता है और उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, एंटीबैक्टीरियल फिल्टर, डीह्यूमिडिफायर, हिमालयन कूलिंग जो इंस्टेंट कूलिंग देने में मदद करता है, ऑटो क्लीन, मॉनसून कंफर्ट जो मॉनसून में आपको कंफर्टेबल कूलिंग देता है, स्मार्ट डायग्नोसिस और लो गैस डिटेक्शन जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस एसी का ISWR वैल्यू है 4.73 और नॉइस लेवल है 31 डेसिबल। इसके साथ आपको 10 साल की कंप्रेसर वारंटी विद गैस चेंजिंग, 5 साल की PCB वारंटी और 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिल जाएगी। गाइस जो 5 साल की PCB वारंटी इसमें है वो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर इन्वर्टर एसीज में जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं वो पीसीबी के खराब होने की वजह से ही आते हैं, लेकिन इस एसी में 5 साल की पीसीबी वारंटी है जो इस एसी को काफी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसका नॉइज लेवल है 31 डेसिबल, मतलब ऑपरेट करते वक्त ये काफी कम नॉइज करेगा। एक और खास बात जो इसमें है वो है ओसन ब्लैक प्रोटेक्शन जो एसी के कंप्रेसर को हवा में मौजूद धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन देता है। स्पेशली अगर आप टाउन इलाके में रहते हो तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम आएगा। गाइस एलजी का ये मॉडल एकदम लेटेस्ट 2021 का मॉडल है विद 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी और ये अमेजोन के नंबर 1 बेस्ट सेलर के लिस्ट में भी रह चुका है। फिलहाल ये आपको 41,990 रुपीस में मिल जाएगा। इन्वर्टर एसी के हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है पैनासोनिक का 1.5 टन 5-स्टार वाईफाई ट्विन कूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा। गाइस ट्विन कूल टेक्नोलॉजी में 2 रोटर्स होते हैं जो कंप्रेसर के लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जिससे कंप्रेसर स्मूथली काम करता है और आपका एसी भी स्मूथली ऑपरेट करता है। जस्ट स्ट्रीम विद एयर स्विंग जो रूम के हर एक कोने में हवा को पहुंचा सकता है। दोस्तों इसमें जो खास बात है वो है मिराय ऐप। इस ऐप की मदद से आप एसी को अपने फोन की मदद से घर में कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। वन टच स्मार्ट डायग्नोसिस यानी अगर एसी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो एसी आपको अलर्ट सिग्नल भेजता है और मिराय ऐप की मदद से सिर्फ एक टच से ही आप सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप इस एसी को अपने वॉइस के जरिए भी कमांड दे सकते हो। Amazon Alexa या फिर Google असिस्टेंट की मदद से आप इस एसी को वॉइस कमांड दे सकते हो। इसके अलावा गाइस एक लेटेस्ट एसी में जो फीचर्स होने चाहिए वो सारे आपको इस एसी में देखने को मिल जाएगा। इसका ISWR वैल्यू है 4.7 और नॉइस लेवल है 40 डेसिबल। इस एसी के साथ आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी और 5 साल की आउटडोर केसिंग के ऊपर वारंटी मिल जाता है। गाइस पैनासोनिक का ये मॉडल काफी सारे एडवांस फीचर के साथ आता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एसी अनबीटेबल है और सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि कूलिंग के मामले में भी ये किसी से कम नहीं है। इसमें जो मिराय ऐप है वो काफी कमाल का है। आप अपने घर में कहीं पे भी बैठकर इस एसी को कंट्रोल कर सकते हो। और वारंटी की बात करें तो गाइस पीसीबी के ऊपर 5 साल की वारंटी है और ऊपर से आउटडोर केसिंग के ऊपर भी 5 साल की वारंटी है, जिसका मतलब इस एसी के लॉन्ग लास्टिंग होने पर कोई शक नहीं रहता। ओवरऑल एसी इन्वर्टर एसी के हमारे लिस्ट में नंबर 1 का पोजीशन डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये थे बेस्ट इन्वर्टर एसीज। इन सभी एसीज के लिंक आपको नीचे दिए हुए PDF में मिल जाएगा। सो अगर आप एक इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हो तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 5 एसीज में से एक एसी आप चुन सकते हो। लेकिन अगर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी चाहिए तो इस साल का बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी है वोल्टास का 1.5 टन 3-स्टार स्प्लिट एसी। इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल, LED डिस्प्ले, इंटेलिजेंट स्लीप मोड जो नींद के दौरान आपको कंफर्टेबल कूलिंग देता है, ऑटो रिस्टार्ट, R32 रेफ्रिजरेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, टर्बो कूलिंग जैसे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस एसी के साथ आपको 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 1 साल की कंडेंसर वारंटी, 5 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल जाता है। ये फिलहाल आपको 34,490 रुपीस में मिल जाएगा। गाइस जो लिंक मैंने नीचे दिया है वो इसके 1.5 टन मॉडल का है जो 2019 का मॉडल है, लेकिन उसी लिंक पे क्लिक करके आपको इसका 2021 का भी मॉडल देखने को मिल जाएगा जो 1.4 टन का है। गाइस नॉन इन्वर्टर एसी के लिस्ट में मैंने सिर्फ एक ही एसी रखा है क्योंकि मेरे रिसर्च के बाद मुझे यही मॉडल बेस्ट लगा। और हाँ दोस्तों, एक सस्ता नॉन इन्वर्टर एसी आप ना ही लो तो बेहतर है क्योंकि प्राइस कम होने के साथ साथ एसी की क्वालिटी भी घटती है और आपका बिजली का बिल भी इंक्रीज होगा। और हाँ, अगर दिन में 6 घंटे या फिर उससे कम आप एसी को ऑपरेट करना चाहते हो तो ही आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लो, नहीं तो आप एक इन्वर्टर एसी लीजिए। आपको आई बटन में टॉप 5 नॉन इन्वर्टर एसी के वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। कब एक नॉन इन्वर्टर एसी आपको लेना चाहिए इस बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी बेस्ट विंडो एसी के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में मैंने 3 एसीज रखे हैं। नंबर 3 पे है वोल्टास का 1.4 टन फिक्स स्पीड विंडो एसी।
इस एसी में आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल, PM2.5 फिल्टर, इंस्टेंट कूलिंग, टाइमर फंक्शन, सेल्फ डायग्नोसिस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये एसी आपको 25,490 रुपीज में एक साल की प्रोडक्ट वारंटी और 4 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ मिल जाएगा। दोस्तों इस एसी का प्राइस कंपैरेटिवली कम है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। 25,000 के बजट में जो जो फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको इस एसी में देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पे है पैनासोनिक का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर विंडो एसी। इस एसी में आपको कॉपर कंडेंसर कॉयल देखने को मिलेगा, PM2.5 फिल्टर, क्विक कूलिंग एंड वाइट कवरेज, R32 रेफ्रिजरेंट गैस, फेदर टच कंट्रोल, ब्लू फिन कोटिंग ऑन कंडेंसर जो कंडेंसर को कोरोशन से बचाता है, 4D कूलिंग जो चारों तरफ कूलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है और भी बाकी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका ISWR वैल्यू है 3.34 और नॉइस लेवल है 56 डेसिबल। ये फिलहाल 30,000 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा विद 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर्स ऑन कंप्रेसर वारंटी। अंडर 30,000 अगर आपको एक विंडो एसी लेना है तो ऑब्वियसली इस एसी के साथ आप जा सकते हो। कूलिंग और फीचर्स के मामले में नो डाउट ये बेहतरीन एसी है, लेकिन विंडो एसी के हमारे लिस्ट में जो सबसे बेहतरीन एसी है वो है हमारा एसी नंबर 1, जो है एलजी का 1.5 टन 5-स्टार वाईफाई इन्वर्टर विंडो एसी। इस एसी में आपको वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर देखने को मिलेगा जो एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन देने में मदद करता है। डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी इसमें मौजूद है। इस एसी में आपको एलजी थिंक वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जिसके मदद से आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट की मदद से एसी को वॉइस कमांड दे सकते हो। यानी आप अपने एसी को अपने रूम के कहीं से भी अपने वॉइस के जरिए ऑन ऑफ, टेम्परेचर चेंज या फिर कूलिंग मोड चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस एसी में ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन, R32 एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैस, 4-वे एयर सर्कुलेशन, डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको 1 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल जाएगा। इसका ISWR वैल्यू है 3.5 और नॉइस लेवल है 44 डेसिबल। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल विंडो एसी के नॉइस लेवल के हिसाब से इसका नॉइस लेवल काफी कम है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन भी है जो कंप्रेसर को कोरोशन से बचाता है और बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं और वारंटी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। दोस्तों फिलहाल ये आपको 34,399 रुपीस में मिल जाएगा। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फीचर्स और क्वालिटी के ऊपर फोकस करके ही मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी एसीज के बारे में मैंने आपको बताया है उन सभी एसीज को एक PDF में अरेंज करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सिर्फ उस PDF पे क्लिक करो तो आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आ जाएंगे। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।